स्वागत है कॉमिक फीवर के 8वें एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट अवेटेड मूवीज ऑफ बॉलीवुड। क्या जानते हैं? सर कटेगा सर, कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर। हमारे लिस्ट के 10वें नंबर पर स्त्री 2 है। मूवी डायरेक्ट सीक्वल है 2018 में आई मूवी स्त्री की, जिसके लीड रोल में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी है। यह एक कॉमेडी हॉरर जॉनर की मूवी होगी। इसके डायरेक्टर अमर कौशिक है कि मूवी कंटिन्यू करेगी स्त्री की कहानी को। चंडेरी में अब एक नया सरकटा भूत का आतंक दिखाया जाएगा और यह भूत शहर की सारी औरतों को उठा ले जाएगा। हालांकि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम अभी भी रिवील नहीं किया गया है। एक बार फिर विकी और उनकी गैंग को इस भूत से चंडेरी को बचाने की कहानी यह रहेगी। यह मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है बॉलीवुड की लास्ट 6 साल से। हालांकि रूमर्स की माने तो इस मूवी में अक्षय कुमार और वरुण धवन का भी स्पेशल अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। फिल्म शेड्यूल है 15 अगस्त 2024 को रिलीज के लिए। देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। नंबर 9, धमाल 4। 2007 में आई धमाल एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी रही थी। इसके 4th इंस्टॉलमेंट को भी अब कंफर्म कर दिया गया है, जिसके कास्ट अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी एंड जावेद जाफरी होंगे। इस मूवी को डायरेक्ट इंदिरा कुमार करेंगे। फिल्म की शूटिंग ईयर इन से स्टार्ट होगी। अभी इसके पोस्ट प्रोडक्शन में जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। धमाल का थीम जंगल एडवेंचर फॉर्मेट में होगा। इस मूवी का बेसिक प्लॉट अब लॉक हो चुका है और इसके विजुअल्स की तैयारी की जा रही है। यह मूवी एक्सपेक्टेड है 2025 के एंड में। 8वें नंबर पर जॉली LLB 3 है। अक्षय कुमार अपने बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद अब कॉमेडी मूवीज पर ध्यान देने वाले हैं, जिसमें से पहली मूवी जॉली LLB 3 होने वाली है। फिल्म की कास्ट में अक्षय कुमार, अर्शद वारसी और सारे कास्ट फ्रॉम जॉली LLB 1 एंड जॉली LLB 2 से वापस आते हमें नजर आएंगे। फिल्म जॉली वर्सेस जॉली होने वाला है। अक्षय और अर्शद आपस में भिड़ते हुए हमें नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मूवी शेड्यूल्ड है 2025 10 अप्रैल को रिलीज के लिए। 7वें नंबर पर डॉन 3 है। फाइनली फरहान अख्तर ने डॉन 3 अनाउंस कर दिया है, बट डॉन्स के फैन काफी नाराज और खफा नजर आ रहे हैं, क्योंकि रणवीर सिंह शाहरुख खान को रिप्लेस करेंगे इस मूवी में। डॉन 2 मूवी रिलीज हुए अब 14 साल हो चुके हैं। फैंस को इस मूवी का बड़े बेसब्री से इंतजार है। हमें अब यह देखना पड़ेगा कि रणवीर सिंह इस रोल को कितना जस्टिस करते हैं। फिल्म फ्लोर पर अर्ली नेक्स्ट ईयर से जाएगी। इसको डायरेक्ट फरहान अख्तर खुद ही करेंगे। रूमर्स की माने तो कियारा आडवाणी भी इस मूवी का हिस्सा होंगी। यह फिल्म शेड्यूल्ड है एंड ऑफ 2025। 6th, रामायणा। रामायणा इंडिया की मैसिव बजट मूवी होने वाली है, जिसका बजट 835 करोड़ रुपए रखा गया है। मूवी के लीड रोल में रणवीर कपूर एज राम, साई पल्लवी एज सीता एंड यश एज रावणा है। मूवी पहली पार्ट होगी अपनी माइथोलॉजी की। इसे डायरेक्ट करेंगे नितेश तिवारी। फिल्म को ग्लोबली रिलीज किया जाएगा और इसके विजुअल इफेक्ट्स के लिए बाहर के बड़े स्टूडियोज को हायर किया गया है। फिल्म का शेड्यूल 600 दिन का रखा गया है और फिल्म के डायरेक्टर इसको एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। रामायणा की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है मुंबई स्टूडियो में। इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है 2026 की। 5th, आवारा पागल दीवाना 2। 2002 में आई आवारा पागल दीवाना एक कॉमेडी क्लासिक मूवी रही थी, बट इसके सीक्वल की कंफर्मेशन अब प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने हमें दे दी है। अक्षय कुमार, दिशा पटानी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी इसके कुछ कास्ट मेंबर रहेंगे। फिल्म की स्टोरी के बारे में हमें अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, बट यह एक बड़े कास्ट के साथ बनाई जाएगी। फिल्म के साथ अभी कोई ऑफिशियल डायरेक्टर जुड़े नहीं है, बट रूमर्स की माने तो इसे अहमद खान डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी है और यह फ्लोर पर 2025 पे जाएगी। सब्सिक्वेंटली मूवी 2026 में हमें देखने को मिल सकती है। अब हम आ पहुंचे हैं 4th नंबर पर, जिसपे अंदाज अपना अपना 2 है। जी हाँ, कल्ट क्लासिक कॉमेडी अंदाज अपना अपना अब बड़े पर्दे पर वापस आने जा रही है। एक इंटरव्यू के द्वारा आमिर खान ने यह कंफर्म किया कि इसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी अभी इसके स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इस मूवी का टाइटल अदा अपना अपना रखा गया है। रूमर्स की माने तो आमिर खान और सलमान खान ने इस मूवी के लिए हामी भर दी है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मूवी हमें 2026-2027 के बीच देखने को मिल सकती है। 3rd, मूवी किंग। अगर मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी की बात की जाए और शाहरुख खान का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पिछले 1 साल से इनकी मूवी बड़े पर्दे पर नहीं आई है। इस साल भी इनकी कोई भी मूवी रिलीज नहीं होगी। मूवी किंग में शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना के साथ दिखेंगे। सुहाना की यह फिल्म डेब्यू फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में शाहरुख खान एक डॉन की भूमिका में दिखेंगे। यह एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होने वाला है, जो कि काफी मिलता जुलता रहेगा उनके कल्ट क्लासिक कैरेक्टर्स डर, अंजाम और रईस से। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे डायरेक्ट करेंगे सुजॉय घोष। इसकी शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसका रिलीज डेट सेकेंड हाफ ऑफ 2025 रखा जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं लिस्ट के दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर वेलकम 3 है। टाइटल्ड वेलकम टू द जंगल 3rd इंस्टॉलमेंट है वेलकम सीरीज की।
यह एक मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है अक्षय कुमार की। वेलकम की कास्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगी 2007 की वेलकम से, विद फ्यू एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ संजय दत्त, अर्शद वारसी, दिशा पटानी, जैकलिन, लारा दत्ता, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, दलेर मेहंदी और मीका सिंह और कुछ और कास्ट भी। मूवी वेलकम की मीम्स आज भी बहुत फेमस है। इसके राइटर्स और इसके प्रोड्यूसर्स इसे बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मूवी में अक्षय कुमार के कैरेक्टर राजीव को वापस लाया जाएगा। यह मूवी एक जंगल एडवेंचर पर रिवॉल्व करेगी। यह मूवी को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान। मूवी रिलीज होगी 20 दिसंबर 2024 को। अब हम आ पहुंचे हैं लिस्ट के पहले नंबर पर, जिसका स्पॉट हेरा फेरी 3 ने लिया है। 2000 में आई मूवी हेरा फेरी और 2006 में आई फिर हेरा फेरी एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी में मानी जाती है। इसके लास्ट पार्ट को रिलीज हुए अब करीब 18 साल हो चुके हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी 3 की कन्फर्मेशन दे दी है। फिल्म में अक्षय कुमार एज राजू, परेश रावल एज बाबू भैया एंड सुनील शेट्टी एज श्याम का किरदार में वापस नजर आएंगे। इस मूवी के नए कास्ट में संजय दत्त हमें देखने को मिलेंगे, जो कि एक माफिया का रोल पोर्ट्रे करेंगे। फिल्म का प्रमोशनल वीडियो ऑलरेडी शूट कर लिया गया है। इसकी अनाउंसमेंट कुछ ही दिन में आएगी। मूवी का स्क्रिप्ट ऑलरेडी लॉक्ड है। इसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर जनवरी फेब से स्टार्ट होगी। मूवी का नेक्स्ट शेड्यूल अबू धाबी और लॉस एंजलिस में रखा गया है। फिल्म के डायरेक्टर की भी कन्फर्मेशन हमें कुछ दिन में देखने को मिलेगी। फिल्म करीब 2026 के फर्स्ट हाफ में रिलीज किया जाएगा। तो आपको कैसा लगा हमारा टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ बॉलीवुड? और अगर आप हमें किसी और चीज पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।